So, sir and dear colleagues, fasten your laces, toes behind the line. The sun is shining, it's sports day time. Today we have gathered here to celebrate National Sports Day, which falls on 29th August. This day is a special day for all of us because it is the birthday of the hockey wizard Major Dhyanchand. Nicknamed as the magician, Major Dhyanchand was one of the greatest players of all time. He was the star of Indian hockey team, who played a key role in bagging gold medals at Olympic Games in three consecutive years, 1928, 1932, and 1936. His mastery on the game and his control over the ball earned him the epithet Hockey Wizard. He is fondly remembered on his birthday, that is 29th August. The president gives him away sports related awards such as Major Dhyanchand Khel Ratan Award, named after him, Arjun Award and Dronacharya Award on this day. Today we will all remember him on his contribution. I request Principal Sir to get garland his portrait. I request Urvashi Ma'am to please escort me. Sir, knives and pieces. Thank you very much, sir. Sports is very essential for every human being. It not only keeps one fit and fine, but also brings discipline in our life. It also improves thinking ability and reduces stress of mind. It is good to see that our younger generation have started taking interest in sports. India has won many medals, including gold, silver and bronze in Tokyo Olympics. Khel mein bhi करियर बनाने लगे हैं युवा, खेल में भी करियर बनाने लगे हैं युवा, अपने हुनर का दम दिखाने लगे हैं युवा। जो उनके खेल के खिलाफ थे, अब उनको भी अपने खेल से चकाने लगे हैं युवा। With this, I would like to invite Avdesh sir, PGT Physics, to say a few words on this occasion. आदरणीय आचार्य महोदय, on the occasion of National Sports Day, today I am glad to highlight some major difficulties faced by the magician Major Dhyanchand. आज जो हम ये दिवस मना रहे हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद, उनका जन्म 29 अगस्त 1906 में हुआ था इलाहाबाद, जो आजकल प्रयागराज में है, वहाँ हुआ था। एक सामान्य परिवार में हुआ था। इनके फादर, ये तीन भाई थे, इनके फादर उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उसमें फौज में थे। तो बचपन से इनका, जब मैंने इनका इतिहास थोड़ा सा पढ़ा, तो बचपन से इनका इंटरेस्ट रेसलिंग में रहा, रेसलिंग में था, कुश्ती में था, ना कि हॉकी में। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, 15-16 साल की उम्र में उन्होंने फौज ज्वाइन कर ली। फौज ज्वाइन करने के बाद, चूँकि इनके पिताजी फौज में पहले से थे, उनको हॉकी में, पिताजी भी हॉकी ही खेला करते थे, उनका इंटरेस्ट था, तो इनका ध्यान थोड़ा सा इंटरेस्ट हॉकी की तरफ बढ़ना चालू हुआ।
वहां इन्होंने हॉकी के प्रति अपनी इंटरेस्ट को जाहिर किया और प्रैक्टिस करना चालू किया। तो ये ऐसा बताया जाता है, ऐसा पढ़ने में मिला है कि ये पेड़ से लकड़ी तोड़ के हॉकी खेला करते थे क्योंकि उनको कुश्ती में इंटरेस्ट था। वहां के कोच जो हॉकी के, वहां जो आर्मी के हॉकी टीम के जो कोच हुआ करते थे, उन्होंने इनका खेल देखा तो लगा कि ये कुछ हॉकी में इनके डिफरेंट क्वालिटीज, कुछ इनमें अलग कुछ है, ये कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने हॉकी के प्रति उनको प्रोत्साहित किया, उनका इंटरेस्ट पैदा हुआ, उनकी क्या क्या कमी थी वो पॉइंट आउट की और हर कमी को कैसे सुधारा जाए उस पर फोकस था। तो ध्यानचंद, इनका पहले नाम ध्यान सिंह था, ध्यानचंद बाद में हुआ। तो ध्यान सिंह जब प्रैक्टिस करते रहे आर्मी की तरफ से, उनकी टीम में खेलना चालू किया, तो ये अक्सर ऑफिस या जब टाइम मिलता था रात में खेला करते थे, तो मून लाइट में ये खेला करते थे हॉकी। तो इसलिए उनको धीरे धीरे ध्यानचंद बोलते बोलते ध्यानचंद का नाम बढ़ गया। और इनकी जो लगन और जुनून था हॉकी के प्रति इतना बढ़ गया कि उनके पास सारा कैलकुलेटेड रहता था, कितने हमने स्ट्राइक किए गोल, कितने मिस हुए, कितने हिट हुए, रेलवे की ट्रैक जो पटरी होती उस पर वो बैलेंस करना सीखा करते थे। मतलब उन्होंने एक जुनून बना लिया था कि अब हमें हॉकी में कुछ करना है। और उस समय ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन हुआ करता था, तो उनका ये कहना था कि स्पोर्ट्स वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो उतना ऑलरेडी इंडियन को उतना प्रमोट नहीं करते। फिर भी इन्होंने अपना जुनून खत्म, अपना आगे बढ़ाया था और सोचा कि अब हम भारत का कुछ नाम अगर कर सकते हैं ब्रिटिश के शासन काल में, तो वो हॉकी में मुझे कुछ करके दिखाते हैं। तो ध्यानचंद ने अपना पूरा फोकस हॉकी पे किया, बहुत स्ट्रगल किया, उनको टीम में जगह नहीं मिली, बहुत फेलियर है, फेलियर से उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। हमेशा वो क्वेश्चन करते थे उनका एक चीज़ कि कमी कहाँ है, क्यों है, कैसे है, इसको कैसे इम्प्रूव करें। तो धीरे धीरे इम्प्रूव करते गए और हर ओलंपिक में उन्होंने लीड किया, तीन ओलंपिक में उन्होंने लीड करके इंडिया को तीन गोल्ड, 28, 32, 36 गोल्ड मिले। सबसे इम्पोर्टेंट जो 1936 बर्लिन ओलंपिक वाला दिखाई गई, इनकी हॉकी को भी ये समझा जाता था कि इनकी हॉकी में कुछ ना कुछ मैग्नेट लगी हुई है, तो उसकी भी कई बार डाउट आया कि अगर उनके पास बॉल जाती है तो दूसरा कोई बॉल को ले नहीं सकता है, तो कुछ ना कुछ है इसमें, उसकी भी कई बार हॉकी को तोड़ के देखा गया, जांच किया गया, कुछ नहीं। ये सिर्फ उनकी लगन और मेहनत और उसका परिणाम है। उनको ध्यानचंद की जो मैजिशियन, भारत का एक मैजिशियन, हॉकी का एक जादूगर के नाम से जाने जाने लगे। तो जब वो 1936 बर्लिन ओलंपिक के लिए जाना है, इन्हें टीम का सिलेक्शन हुआ, तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय ब्रिटिश ने कहा कि वाई वी आर वेस्टिंग ऑन दिस इंडियंस, इंडियंस में हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो ये टीम सर ओलंपिक में जब गई तो बैंक से लोन लेके गई, पंजाब नेशनल बैंक उस समय जो हुआ उससे लोन लिया। लोन लेने के बाद ये लोग गए जर्मनी का क्वालिफाइंग प्रैक्टिस मैच हो गए, तो जर्मनी ने लगभग 11 गोल से इंडिया को हराया, तो वहाँ का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा जब ये प्रैक्टिस मैच हो रहे थे। और जर्मनी में सारी जगह पोस्टर लग गए थे कि हम आज एक ऐसे जादूगर को देखना है, इंडिया के एक जादूगर को देखना है जो हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो सब सोचे जादूगर यानी इंडिया में जैसे। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट फॉर द वेबिनार। एज वी ऑल नो दैट 29th August, we celebrate all across the country as National Sports Day. The significance of this day is the birth centenary of Major Dhyan Chand, who is a legend in himself in the field of hockey. His contribution to the field of hockey for the country is immeasurable and which cannot be forgotten at all. I just want to say a few things about his achievements. Major Dhyanchand was born on 29th of August 1905
in UP. He started playing hockey from the age of 12. In the year 1922, he joined the British Indian Army. From there, the skills of his hockey was promoted further, and in 1926, he got a chance to represent the Army Regimental Unit to New Zealand, where he has proved that he is one of the players who is in the limelight. After coming from the New Zealand tour, he got an opportunity to represent the country for the Olympics. In the Olympics 1928, the Indian team participated for the first time. And in that Olympics, he has scored 14 goals in 4 matches, which was a tremendous performance by Major Dhyanchand. Again, in 1932, India represented for the Olympics, and again in 1936, India represented. In both these Olympics, again, India won the gold medal, and they proved that they are dominating the world in the field of hockey. Major Dhyanchand, as a coach also, his contribution was a lot. In the remaining Olympics from 1928 to 1964, India participated 8 times, and out of the 8 times, 7 times India got gold medal, which itself signifies that महान खिलाड़ी हॉकी के जादूगर को इस अवसर पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और 29 अगस्त जो कि हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, उस दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी लोग, अब तो आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, खेलना उतना नहीं हो पाता होगा, लेकिन कुछ खेल कई तरीके के हैं। कुछ चल के खेले जाते हैं, कुछ दौड़ के खेले जाते हैं, कुछ बड़ी जिसमें मशक्कत करनी पड़ती है, तो कुछ खेल जो आपका, जैसा आपका शरीर है, जैसा आपका स्वास्थ्य परमिट करता है, ऐसा करें और फिट रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हों। मैं आपको इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। जहाँ तक खेल दिवस से जुड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस की बात है, तो खेल दिवस, तो राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं, और बहुत सारे वक्तव्य हम लोगों की तरफ से आते हैं, छात्रों को भी आप बताते हैं, छात्र भी जहाँ जैसा हो सकता है तो स्कूल के लेवल पे, फिर रीजनल पे, या उसके बाद फिर नेशनल ISEFI तक को लोग अपना प्रदर्शन करते हैं। कुछ बच्चे उसको अपना एक करियर भी उसमें बनाते हैं, लेकिन जो भी हो, एक मध्यम स्तर पर कम से कम शरीर को तंदुरुस्त तो रखा ही जा सकता है, दिमाग को अच्छा बनाया जा सकता है, चुस्त दुरुस्त बनाया जा सकता है। अगर टीम गेम है तो उससे एक दूसरे को कैसे सहयोग किया जाए, इस तरह की धारणा डेवलप की जा सकती है कि एक दूसरे को सहयोग कैसे किया जाए। ये 2-3 विधाएँ हैं, जैसे जो ग्रुप डांस होता है उसमें ये बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जो टीम गेम इवेंट्स होते हैं हॉकी में, खिलाड़ी एक साथ जब खेलेंगे तो जाहिर सी बात है टीम इवेंट होगी, तो कैसे एक दूसरे को सहयोग किया जाए, क्योंकि उसमें कई बार इतने अच्छे खिलाड़ी होते हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं होने से मैं ही गोल मारूंगा तो वो पास नहीं देते, कई बार वो पास ही नहीं देते और खुद करना चाहते हैं, नतीजा ये होता है कि या तो वो थक जाते हैं कुछ देर बाद, या कहीं ना कहीं पजल हो जाते हैं जिसकी वजह से वो गोल नहीं कर पाते। लेकिन अगर वो मिला जुला के खेले, थोड़ी देर उसको दे दिया, उसने ऐसा कर दिया, सुविधा के हिसाब से वो पास दे दिया गया, तो जल्दी गोल होता है और खिलाड़ी थकते नहीं हैं, तो ये एक अच्छी भावना ऐसे पैदा होती है। तो आप लोग भी कुछ खेला करें, कोई गेम अभी हमारे पास जो समय मिल जाता है। ध्यानचंद जी के बारे में अक्सर वो चीज़ें जो उपलब्ध हैं वो तो आपको हमेशा सुनने को मिलती रहती हैं,
जैसा कि 29 अगस्त को 1905 को ध्यान सिंह का जन्म हुआ था और अभिजीत जी ने बताया आपको कि इनके पिताजी उस समय सिपाही थे और अभी तो प्रयागराज हो गया है, पुराने समय का इलाहाबाद में आप देखेंगे तो एक प्रयाग स्टेशन है, जिस क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसी क्षेत्र में स्टेशन प्रयाग है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और कुछ समय बाद ये फिर झांसी शिफ्ट हो गए। अभी आप कभी झांसी के आसपास जो लोग रहते हैं वो इनका घर देख सकते हैं, इनके कुछ कमरों में तो इनके मेडल सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें सजाई हुई हैं। उनके घर के लोग जो हैं उत्तराधिकारी वो आपको बिल्कुल मदद करते हैं, उसमें आपको बताते भी हैं कि ये तब का है, ये सारे फोटोग्राफ्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, मेडल्स हैं, ट्रॉफीज हैं। तो बहुत दूर नहीं है झांसी में, आप जाके इस चीज़ों को देख भी सकते हैं। चूँकि पिताजी इनके आर्मी में थे तो ये दोनों भाई जब ये आर्मी में गए तो वहाँ पर खेल का एक सिस्टम होता है, आर्मी में फिट रखने के लिए कोई ना कोई खेल होती है। आपने अभी भी देखा होगा कि सारी कंपनियों की अपनी एक टीम होती है, एयर इंडिया है, रेलवे है और बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं, तो आर्मी की अपनी एक टीम होती है, तो टीम गठित की गई तो इसमें इन्होंने हॉकी को चुना 1922 में और उसके बाद ये फिर हॉकी खेलने लगे। एक बीबीसी का मैं एक कार्यक्रम सुन रहा था तो उनसे पूछा गया कि ये जादूगर कैसे है, तो वो कहते नहीं ऐसा जादूगर नहीं थे, और लोग कहते हैं उनकी बॉल जो है हॉकी से चिपक जाती थी, तो वो भी ये कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो जो खेलने का तरीका है, कहने के लिए लोग ऐसा कहते हैं, जो खेलने का तरीका था उसको उससे ये लोग कहते हैं कि बॉल चिपक जाती थी। तो होता क्या था कि इनके भाई रूप सिंह थे, बहुत तेज शॉट मारते थे और रूप सिंह के शॉट पर तो कोई उनकी बॉल रोकने नहीं आता था। तो एक बड़ा अच्छा वाक्या है कि ध्यान सिंह ने उनको कहा कि इतना तेज क्यों मारते हो, ध्यान सिंह बहुत धीरे मारते, लेकिन कलाकारी इनकी ये थी कि नज़दीक वाले को पास दे देती थी, तुरंत जैसे इनके पास बॉल आती थी तुरंत दूसरे को देते थे ताकि दूसरे खेले, और वो अलग बात है थोड़ी देर में ये कवर करे वो अलग चीज़ है। तो ऐसे पास देते थे, रूप सिंह को इतना तेज क्यों मारते, तुम इससे धीरे मारोगे तो भी डी में जाएगी बॉल, और वो उनको सचेत कर रहे थे कि इतना तेज मारने से कोई घायल भी हो सकता है। तो इसमें यह कहा गया है कि इनके भाई रूप सिंह बहुत तगड़ा शॉट मारते थे, किसी को रोकने की हिम्मत नहीं होती थी उस शॉट को, और उसके विपरीत ये धीरे मारते थे लेकिन पास बहुत तेजी से देते थे। तो एक बार कोई आर्मी का इनका गेम चल रहा था तो उनसे पूछा गया कि जादूगर फिर कैसे कहा जाता है जादूगर, तो कोई झेलम जगह है जैसे झेलम नदी आती है उधर से, तो उस समय हमारा भारत पूरा वहाँ तक था, तो झेलम नामक कोई जगह भी है वहाँ, एक मैच चल रहा था आर्मी का ही, तो इनकी टीम जो है वो बहुत पीछे थी और आखिरी के 4 मिनट बाकी थे, तो फिर किसी ने इनको कहा कि अरे ध्यान कुछ करो, तो फिर इन्होंने 3 मिनट के अंदर, इसी 3-4 मिनट में 3 मिनट में कई गोल डाले, तो तब से इनको कहा गया कि वाकई ये हॉकी के जादूगर हैं। तो ऐसा प्रचलन चल गया कि ये ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं यहाँ से, और जैसा कि नाम जो बदला हो आपको मालूम है कि मौका जब मिलेगा तो आदमी प्रैक्टिस करेगा, और तो चांदनी रात अगर है तो उसमें प्रैक्टिस कर ली थोड़ी, तो चांदनी रात में भी खेल के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ध्यान सिंह से इनका नाम ध्यानचंद हो गया। और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि सर यू हैव टोल्ड मैनी स्टोरीज अबाउट ध्यानचंद जी एंड स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द गेम ऑफ द डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड नॉट ओनली डिसिप्लिन टीम वर्क बट इट ऑल्सो मोटिवेट्स अस टू बी हैप्पी इन द लाइक हैप्पीनेस इज अ वेरी ग्रेट फैक्टर व्हेन वी आर इन द फील्ड देन we can be happy even if we are not winning, we try to be happy and in spite of injuries we keep on playing.
With that, I would like to invite Soni sir for the vote of thanks. आदरणीय प्रचारमंडल शिक्षक साथी, आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हम सभी लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए समारोह के लिए, तो सर्वप्रथम जो हमारे सर अवधेश नायक सर जी ने जो जानकारी दी, इससे कुछ नई बातें पता चली कि किस तरह से ध्यानचंद जी ने किन परिस्थितियों में रहते हुए हमारे देश का नाम ऊंचा किया। जर्मनी में जो खेल हुए थे वे जानकारी हमको पता नहीं चलती, लेकिन आपके द्वारा जो पता चला कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करा, संघर्ष करके हमारे देश का नाम उस टाइम जब हिटलर जैसे नेता हुआ करते थे उस टाइम हमारे देश का नाम ऊंचा करा, और उन्होंने अपने देश को सर्वप्रथम रखते हुए उनके द्वारा जो आग्रह किया गया था कि वो हमारे देश के लिए खेलें उसको मना करा, इससे हमारी खेल भावना पता चलती कि देशभक्ति उनमें कितनी थी और खेल भावना कैसी थी। उसी को ध्यान में रखते हमारे कई खिलाड़ी हैं जो अभी खेलते हैं, हमारे देश का नाम ऊंचा करते हैं। उसके बाद मैं प्राचार्य महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके निर्देशन में दिशा निर्देश में हम लोग इस तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और कई समारोह करते हैं, उससे जानकारी पता चलती है। सर ने भी दो तीन नई बातें बताई हमारे को जो मुझे नहीं मालूम था, शायद कई लोगों को नहीं मालूम था कि किस परिस्थितियों में क्या कंडीशन थी और वो हमारे देश को आगे लेके गए हैं और हमारे खेल को एक राष्ट्रीय स्तर पे हमारे सामने प्रस्तुत किया। सर को भी धन्यवाद, और इस समारोह को संचालन को कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाली जो कमेटी है उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज ये दिन चुना ताकि हम लोग ये समारोह यहाँ पर कर पाए।